Three shows she fired at the effigy of Mahatma Gandhi. In the front of people, she fired symbolically. That means they are repeating what Mao Tse had done in 1948, January 30th. And now, in Rajasthan, there is a Manu statue. Jaipur court, a Manu statue is there. And today, our comrades in Rajasthan, you will see Facebook, our comrades in Rajasthan, now they are campaigning against that Manu statue for removal of it. This is part of the protest. Rajasthan, our party, like-minded forces, are leading the struggle to remove that statue from there. That is the main the campaign issue in Rajasthan state today. This, you know, our Supreme Court lawyers, they are now demanding, they are struggling to put the Ambedkar's photo in the Supreme Court. There is no photo. The Manu statue is there in Rajasthan High Court, but no photo of Ambedkar. Who is Ambedkar? He is the architect of Indian Constitution. So the architect of Indian Constitution, he is denied, his photo is not there in the court. So advocates are demanding that. This is India. Therefore, we must see that today when the RSS and the Modi government is coming to power, this Modi regime is now, under the cover of the Modi regime, RSS is now going through its agenda of converting India into a Hindu Rashtra. The ideological basis of which is Manusmriti. That is the importance of the title which we have given here. So I am saying that this, when we speak about Manusmriti, why CPIM and Red Star is taking up this question? That is why I have just explained this issue. I think that point was quite clear. Why CPIM and Red Star is targeting Manusmriti? Why this day is selected as the culmination of the first phase of the campaign against RSS neo fascism? Because this is the day when Dr. Ambedkar has banned Manusmriti. And today, even though apparently Indian constitution is there, but most of the constitution. और इसी क्रम में जुझारू जो देश में जहां भी किसानों का आंदोलन होता है उस आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाने वाले भाई बलवंत यादव जी का आमंत्रित करती हूं, तो आए मंच पर बैठे। करके जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी सरकार पर या प्रशासन पर दबाव बना करके उनकी ये कोशिश नहीं है कि सरकार को सस्ते दर पर, सस्ते मूल्यों पर उनको खाद बीज उपलब्ध कराया जाए, सिंचाई के साधन मुहैया कराया जाए, नहरों में पानी मुहैया कराया जाए, लोगों को मनरेगा में काम दिलाया जाए। उनका एकमात्र उद्देश्य है, सत्ता सुख में आ गए हैं, सत्ता सुख भोगिए, लूट मचाइए, भ्रष्टाचार करिए और बोलने वाले लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाइए। केवल हिंदू मुस्लिम यह करते रहिए। ये प्रदेश में भी चल रहा है, बलिया में भी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को जो बलिया का जो सवाल है, जो जातीय उत्पीड़न का सवाल है, जो साथी वो अभी आज हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं। साथी हिंदू कौन है? हमारे देश का वो बोल रहा है 80% जनता हिंदू है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो गया कुछ दिन पहले, वही पे वो बोला था कि योगी आदित्यनाथ की 80-20 का लड़ाई है, बोला था ना,
80-20 मतलब क्या है? मतलब उसके लिए हम लोग जब 80-20 बोलता है उसका एक अलग मायने है। 80% जनता है मजदूर किसान मेहनत कर जनता 80% और 20% के खिलाफ हमारा लड़ाई, खास करके 1% के खिलाफ हमारे लड़ाई। लेकिन 80-20 का बात जब हम लोग करते हैं तो 80% लोग मजदूर किसान सोचते हैं, और वो जब 80-20 का बात कर रहे हैं तब वो दूसरा तरीका से बात यह किया कर दिया था। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग देख रहे हैं कि एक नया दौर चल रहा है हमारे देश में। 2014 में भाजपा का सरकार आने के बाद और 2019 में उदुबा आने के बाद, खास करके 2019 के बाद हमारे देश में जो एक फैसिवादी जो शासन है, ये एक फैसिवादी शासन धीरे धीरे सामने वो अपना चेहरा खुल करके वो सामने आ रहा है, एक फैसिवादी चेहरा। आप कुछ बोल नहीं सकते हो, कुछ बोलेगा तो यूरोपीय कानून दे देते हैं। पहले तो विरोध कर सकते थे, पहले मिलता नहीं है, मांग तो नहीं मिलते थे, लेकिन विरोध कर सकते थे, लड़ाई कर सकते थे। और लड़ाई के जरिए देशभर में जो बड़ा बड़ा लड़ाई हो रहा था, वो लड़ाई के जरिए कुछ मांग हम लोग हासिल कर सकते थे। लेकिन आज आप कुछ कहिएगा तो नस्ल होगी हो जाएंगे नक्सलवाद। आज देश का प्रमुख टकरा बोलकर के ये लोग बोल रहे हैं खाली बंदूक जिसका हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कहा था बंदूक जिसका हाथ में है खाली वो लोग दुश्मन नहीं, जिसका हाथ में कलम है वो भी समान दुश्मन है, उसको भी हम लोग जेल में डालेंगे। अगर आप कुछ लिखिएगा, कुछ बात कीजिएगा, आवाज उठाइएगा तो आपको आपके लिए जेल, आपके लिए यूएपीए जैसे काला कानून। खाली उत्तर प्रदेश में कितने लोगों के ऊपर अभी आज के दिन में यूएपीए चल रहा है ये आप देख लीजिएगा। कोई सांवादिक हो, पत्रकार हो, उसके वो लिखा है तू बेकरम, उसको जेल में धकेल दिया है यूएपीए लगाकर। छात्र नौजवान, विश्वविद्यालय के छात्र नौजवान, कोई मजदूर, कोई किसान, कोई संगठन अगर कुछ भी बात कर रहा है तो उसको देशद्रोही कर, देशद्रोही का तकमा दे करके वो लोग जेल में धकेल रहा है। तो एक ऐसी बात का जो चेहरा हमारे देश में सामने आ रहे हैं, एक नया दौर, एक ऐसी बात का दौर शुरू हो रहा है। मोनू ने क्या कहा था? मोनू ने कहा था ये कोई तथाकथित पिछड़े वर्ग के लोग जो है, तथाकथित तो बोलते नहीं, वो बोलते हैं पिछड़े वर्ग, हम लोग बोलते हैं तथाकथित पिछड़े वर्ग, क्योंकि हमको यह मानना नहीं है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। जिस देश में 60% नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उसी दिन हुकूमत ने मजदूरों के लिए, महिला हो चाहे वह पुरुष मजदूर हो, उनको ये 12 घंटा के लिए काम के लिए कानून इस देश की सरकार ने बनाई है, मोदी जी ने बनाया। अब बताइए कितनी बड़ी लड़ाई के बाद 8 घंटा काम के लिए यह देश ने लड़ा और बना, और जब फिर मोदी जी आए देश में सरकार में आए तो उन्हीं मजदूरों को 12 घंटा फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और उनसे करा भी जा रहा है मात्र 10-15 हजार की मजदूरी पर। आप समझिए जब एक तरफ इस देश में उन्हें किसान मजदूरों की जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूलों को भेजने के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के 65 पॉलिटेक्निक कॉलेज आज बिगड़े की दिशा में खड़े हैं, पूरे भारत में रेलवे में पहचान की राजनीति के आधार पर बांटती है दलितों को आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासियों को मजदूरों के खिलाफ, और तमाम जो मेहनत कर सब मुसलमानों के खिलाफ कैसे खड़ा कर रही है। इस अस्मिता की राजनीति जो आरएसएस के हाथों खेलती है, इसका आपने बहुत अच्छे ढंग से पर्दाफाश किया। कॉमरेड बलवंत आजमगढ़ के किसान आंदोलन के बारे में बताया, जिसके बारे में आज हम एक प्रस्ताव को पारित करेंगे, बोल रहा हूँ। और
कॉमरेड आपके अमरनाथ यादव, आप पत्रकार भी हैं भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी मंच के भी, आपने महान सत्याग्रह 1927 में मनुस्मृति को क्यों जलाया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, बड़े पैमाने पर महिलाएं क्यों गई, क्यों महिलाओं ने कहा कि महिलाओं की मुक्ति का दिन है, ये न सिर्फ दलितों आदिवासियों जो तथाकथित शूद्र है और मेहनत करने वालों को गुलाम समझता है, कीड़ा मकोड़ा समझता है, सिर्फ यही नहीं, ये महिलाओं को भी इस मार्ग क्रांति के लिए जली मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, भूख के विरुद्ध बात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, भूख के विरुद्ध बात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए, हम लड़ेंगे हमने ली कसम, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, पूरे देश में क्रांति के लिए जली मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, भूख के विरुद्ध बात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, भूख के विरुद्ध बात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए, हम लड़ेंगे हमने ली कसम, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, पूरे देश में क्रांति के लिए जली मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, भूख के विरुद्ध बात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, भूख के विरुद्ध बात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए, हम लड़ेंगे हमने ली कसम, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, पूरे देश में जो पिछले पद का मान लीजिए कोई भी बिरादरी का पीछे वर्ग का, उसका अगर पिताजी, उसका पिताजी, उसका पिताजी का इतिहास अगर आप देखिएगा, आपका फैमिली का एक इतिहास होगा, सबका फैमिली का इतिहास होगा, और एक फैमिली का इतिहास आप देख लीजिएगा तो पिताजी और पिताजी और उनके पिताजी का पीठ पर अभी तक उच्च वर्ण जो है उसका जो चाबुक है, वो चाबुक का जो दाग है अभी तक वो पीठ पर वो है, ये देख लीजिएगा आपका पारिवारिक इतिहास में। वो बोल रहे 80% हिंदू है, सबको गले लगा रहे हैं कब, इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी 80% लोग अगर उसको वोट दे दे तो उसको जीतना बहुत आसान हो जाएगा। हिंदुत्व तो उसके लिए एक राजनीति का एक क्या बोलते हैं उसको, षडयंत्र, हिंदुत्व तो उसको उसके लिए एक राजनीति का षडयंत्र बन गया। कौन हिंदू को मान्यता दिया, कौन हिंदू को मान्यता दिया, जो पिछड़े वर्ग का जो हिंदू है उसको मान्यता दिया, हमारे देश का जो मजदूर है, किसान है, उसको मान्यता दिया, हमारे देश का जो किसान हर आधा घंटा में, हर 35 मिनट में, एक्चुअली 35 मिनट में एक किसान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं, हर 35 मिनट में।
80% लोग अगर हिंदू होगा उनका हिसाब से, तो ये किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसका 80% तो हिंदू ही होगा ना। 80% किसान हिंदू है आत्महत्या कर रहे हैं, हर आधा घंटा में एक एक करके किसान, आधा घंटा हमारा मीटिंग हो गया है। आचार की राजनीति का आधार पर बांटती है दलितों को आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासियों को मजदूरों के खिलाफ, और तमाम जो मेहनत कर सकते मुसलमानों के खिलाफ कैसे खड़ा कर रही है। इस अस्मिता की राजनीति जो आरएसएस के हाथों खेलती है, इसका आपने बहुत अच्छे ढंग से पर्दाफाश किया। कॉमरेड बलवंत आजमगढ़ के किसान आंदोलन के बारे में बताया, जिसके बारे में आज हम एक प्रस्ताव को पारित करेंगे, सरला बोल सकता हूँ। और कॉमरेड आपके अमरनाथ यादव, आप पत्रकार भी हैं, भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी मंच के भी, आपने मार्च सत्याग्रह 1927 में मनुस्मृति को क्यों जलाया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, बड़े पैमाने पर महिलाएं क्यों गई, क्यों महिलाओं ने कहा कि महिलाओं की मुक्ति का दिन है। ये न सिर्फ दलितों आदिवासियों जो तथाकथित शूद्र है और मेहनत करने वालों को गुलाम समझता है, कीड़ा मकोड़ा समझता है, यही नहीं, ये महिलाओं को भी इस मर्द भाव से सामने आ रहा है। मनुस्मृति के रूप से, मनुस्मृति को इस्तेमाल करते हुए भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाते बनाने का प्रयास चल रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो है, इधर का अल्पसंख्यक को सबको या तो हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म को स्वीकार करना होगा, नहीं तो डिटेंशन सेंटर में जाना होगा। अब डिटेंशन सेंटर बना रहा है, हर राज्य में डिटेंशन सेंटर बना रहा है, किसके लिए? नागरिकता का परीक्षा होगा। नागरिकता परीक्षा में जो असफल हो जाता है, पराजित होता है, उसको सबको डिटेंशन सेंटर में डाल देगा, जैसे हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था। अब इंडिया में हर राज्य में डिटेंशन सेंटर बना रहा है, लेकिन अखबारों में ये न्यूज़ तो नहीं आ रहा है, चैनल्स में भी न्यूज़ नहीं आ रहा है। एक चैनल कुछ बोलते थे उसको भी बंद कर दिया। अभी NDTV थोड़ा कुछ सच्चाई बोलने का प्रयास करते थे, वो NDTV को भी अदानी खरीद लिया, तो ये रवीश कुमार सबको सब छोड़ना पड़ा। और आज थोड़ा सा सच्चाई बोलने वाला एकमात्र चैनल भी ख़त्म हो गया। स्थिति में पूरा मीडिया जो है ये फांसीवादियों का हाथ में है, कॉरपोरेट के हाथ में है, कॉरपोरेट फांसीवादी का सेवा करता है और फांसीवाद को इस्तेमाल करते हुए कॉरपोरेट बढ़ रहा है। अब आज हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब बढ़ रहा है। हमारे चारों तरफ युवक जो है उनका शिक्षा से वंचित हो रहा है, शिक्षा मिलने से भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और उसके खिलाफ अगर संघर्ष करेगा आप, महंगाई के खिलाफ संघर्ष करेगा, शिक्षा नहीं मिलने के खिलाफ संघर्ष करेगा, शिक्षा मिलने से भी नौकरी नहीं मिलने के कारण संघर्ष करेगा, उसको सब देशद्रोही की कोशिश करेगा। जो भी सरकार का विरोध करता है वो सब देशद्रोही हो जाएगा। मोदी के बारे में कोई आलोचना भी नहीं कर सकता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री के बारे में आलोचना करने से उसको देशद्रोही की कोशिश किया जाएगा। हमारे देश में बहुत सारा गलतियाँ हो गया है 1945 के बाद, सभी पहले जनवाद का कुछ छलक तो इधर थे। हमारे संविधान के रूप में जनवाद का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार जनता को थे। उस समय प्रधानमंत्री को आलोचना करने का अधिकार भी थे। जवाहरलाल नेहरू संघर्ष बिक्री का एडिटर को बोलते थे हमारे ऊपर आलोचना करो, ये समाना भी था इंडिया में। अभी क्या है, वो सब जनवाद भी, जो जनवाद इधर थे वो भी खत्म हो गया, अभी क्या खत्म कर रहा है। और आज का प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे ऊपर कोई आर्जन नहीं होगा। आर्जन करने से बीजेपी सब प्रदर्शन करेंगे। थ्री शोर्स शी फायर्ड एट एफिजी ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रंट ऑफ पीपल शी फायर्ड सिंबॉलिकली, दैट मींस दे आर रिपीटिंग व्हाट वोट से हार्ड डन इन 1948 जनवरी 30th। एंड नाउ in Rajasthan there is a Manu statue, Jaipur court, a Manu statue is there. And today our comrades in Rajasthan, you can see Facebook, our comrades in Rajasthan, now they are campaigning against that Manu statue for removal of it. This is part of the ruling struggle. Rajasthan, our party like minded forces are leading
the struggle to remove that statue from there. That's only that is the main the campaign issue in Rajasthan state today. You know, our Supreme Court lawyers, they are now demanding, they are struggling to put the Ambedkar's photo in the Supreme Court. There is no photo. The Manu statue is there in Rajasthan High Court, but no photo of Ambedkar. Who is Ambedkar? He is the architect of Indian Constitution. So the architect of Indian Constitution, he is denied, his photo is not there in the court. So advocates are demanding that. This is India. Therefore, we must see that today when the RSS and the Modi government is coming to power, this Modi regime is now, under the cover of the Modi regime, RSS is now going through its agenda of converting India into a Hindu Rashtra. The ideological basis of which is Manusmriti. That is the importance of the title which we have given here. So I am saying that this when we speak about Manusmriti, why CPIM and Red Star is taking up this question? That is why I have just explained this issue. I think that point was quite clear. Why CPIM and Red Star is targeting Manusmriti? Why this day is selected as the culmination of the first phase of the campaign against RSS neo fascism? Because this is the day when Dr. Ambedkar has banned Manusmriti. And today, even though apparently Indian constitution is there, but most of the constitution